हेलो दोस्तों, मेरा एक फिर से न्यू वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपीज़ तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपीज़ होता है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले हमें 2.5 वर्ष का निकालना है, यानी 2.5 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 2.5 वर्ष में का मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, 1012 ठीक है रुपीस, तो 4 वर्ष में का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन 1067.20 रुपीस। ठीक है दोस्तों, तो हाफ वर्ष का, 1.5 वर्ष का ब्याज 1067.20, तो माइनस 1012 इसकल टू 55.2 आता है। ठीक है, तो अगर है 2.5 वर्ष का कितना निकालना है। ठीक है, तो 2.5 वर्ष में इसका ब्याज 55.2 × 2 × 5 / 3 × 2। ठीक है दोस्तों, तो आप कर सकते हैं कि 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष वर्ष का मूलधन, ठीक है मूलधन ना 1012 ठीक है दोस्तों, 1012 - 92 ठीक है, तो आप कर सकते हैं 920 रुपीस। तो दर रेट 92 × 100 ठीक है, थोड़ा देखिए ऊपर करता हूँ दोस्तों, 92 × 100 तो 920 × 5/2। तो आप देखिए यहाँ पर से कट कर सकते हैं, अगर है एक से एक कट गया ठीक है, ये 91 90 90 खत्म, फिर ये बची आपको 5 है ठीक है, 520 बार में कट गया, यानी आपको आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 5 × 2 = 10 हो गया ठीक है, 2, और यहाँ पर हो गया ठीक है दोस्तों, तो 2 × 2 = 4% आपको आंसर आ गया दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और बहुत ही उम्दे तरीके से बनाया गया दोस्तों। थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप कोशिश करिएगा समझने का। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, धन्यवाद। हमारा फिर से न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया हो जाती है तथा 6 वर्ष में 1000 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले आपको 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ठीक है, 3 वर्षों का ब्याज कितना है, 1000 - 850 ठीक है, यानी 150 मूलधन, मूलधन क्या है 850 - 150 यानी 700 रुपीज ठीक है। तो दर रेट, रेट अगर हमको निकालना है तो 150 ठीक है × 100 / 700 × 3 वर्ष, कितने वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का, देखिए 3 वर्षों का ठीक है। तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं ठीक है, ये एक से कट गया, फिर एक से एक खत्म ठीक है, 3 5 15 यानी हो गया 50/7
ठीक है दोस्तों, आप इसको अगर करते हैं यहाँ पर देखिए, 7, 7, 7, 49 और 1, 50, यानी 77/1/7 आपका आंसर आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों अब हम आपको समझाता हूँ कैसे। पहले 3 वर्षों का ब्याज निकालना है, तो 1000 - 850 करिएगा तो 150 आएगा। फिर आपको क्या करा है दोस्तों, मूलधन निकालने के लिए, ठीक है। तो मूलधन है तो धनराशि 3 वर्ष में 850 है, तो 850 मूलधन कितना है 3 ब्याज में, तो मूलधन करना है तो ब्याज को माइनस करिए, तो 850 - 150 750 - 750 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या करा कि आपको दर निकालना है, क्या रेट यानी दर। तो दर निकालने के लिए 150 × 100, ठीक है, फिर 750 - 700, ठीक है, और गुने 3 वर्ष का, कितना कोई धन 3 वर्ष में इतना हो जाता है, क्योंकि इसी का पूछ ही रहा, ये तो हो जाता है, इसका बोल दिया गया है ये 3, तो 700/1/3 आपका ये आंसर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों हम लोग चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।